press the bell icon on the YouTube app and never. कोटे का जो जजमेंट दिया था वो जिहादियों को अगर पसंद नहीं आया था तो सर्वोच्च न्यायपालिका जाते, इंटरनेशनल कोर्ट जाते, यूएन जाते, सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर धरना प्रदर्शन करते, सर्वोच्च न्यायपालिका में नाराजगी पिटीशन डालते, सरकार से बात करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, टेबल टॉक करते, टेबल टॉक करने के बाद कुछ ना कुछ बीच का मसला एक देश का प्रधानमंत्री तो जरूर निकालता, जरूर निकालता। 1920 या 18 और 20 करके मामले को शांत करने की कोशिश तो शेख हसीना पिछले 3 महीने से कर रही थी, लेकिन बात तो यहाँ पर प्रोटेस्टर की थी ही नहीं, बात तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट शेख हसीना को वहां से निकालने की थी, क्योंकि पाकिस्तान का नाहिद हसन टेररिस्ट पिछले 5 साल से बांग्लादेश में बैठा हुआ था। बांग्लादेश में जो पाकिस्तान एम्बेसी थी उसमें आराम से बैठ करके खालिदा जिया के नेतृत्व में और बीएनपी। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार और यूट्यूबर अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी, और ये दोनों चर्चा करेंगी हमारे प्यारे देश भारत से लेके पाकिस्तान पर और खासकर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। प्रोटेस्टर वो होते हैं अनम जो अपने डिमांड को मांगते हैं, जो अपने डिमांड के लिए धरना पे बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, न्यायपालिका जाते हैं और सरकार से आंखों में आंखें डाल करके संवैधानिक तरीके से अपने लीगल राइट का डिमांड करते हैं, उनको प्रोटेस्टर कहा जाता है। लेकिन जो बम गोली बारूद और चापड़ लेकर के रोड पर घूमते हैं उनको प्रोटेस्टर नहीं कहा जाता है, उनको जिहादी कहा जाता है, उनको टेररिस्ट कहा जाता है। अब जब झगड़ा शेख हसीना से था, जब सरकार से कोटे का डिमांड था, जब सरकार से अपने लीगल राइट का डिमांड था, तो फिर आइस्कॉन टेम्पल क्यों तोड़ा, तो फिर मंदिरें क्यों जलाया, तो फिर हिंदू बहु बेटियों का रेप क्यों किया, तो फिर हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाने की वजह, ये भी तो है ना, ये भी तो है ना। झगड़ा तो सरकार के साथ था और मुसलमानों का था और मुसलमान प्रधानमंत्री के साथ था, झगड़ा तो आपका इनके साथ था ना, बहुत सिंपल था ना, इसको कॉम्प्लिकेशन में डालने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो जब झगड़ा आपका सरकार के साथ था और कोटा जो है वो कोटे की लड़ाई आपको आपका आपकी बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायपालिका के साथ थी, सुप्रीम कोर्ट के साथ थी, जिस जज ने कोटे का जो जजमेंट दिया था वो जिहादियों को अगर पसंद नहीं आया था तो सर्वोच्च न्यायपालिका जाते, इंटरनेशनल कोर्ट जाते, यूएन जाते, सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर धरना प्रदर्शन करते, सर्वोच्च न्यायपालिका में नाराजगी पिटीशन डालते, सरकार से बात करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, टेबल टॉक करते, टेबल टॉक करने के बाद कुछ ना कुछ बीच का मसला एक देश का प्रधानमंत्री तो जरूर निकालता, जरूर निकालता। 1920 या 18 और 20 करके मामले को शांत करने की कोशिश तो शेख हसीना पिछले 3 महीने से कर रही थी, लेकिन बात तो यहाँ पर प्रोटेस्टर की थी ही नहीं, बात तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट शेख हसीना को वहां से निकालने की थी, क्योंकि पाकिस्तान का नाहिद हसन टेररिस्ट पिछले 5 साल से बांग्लादेश में बैठा हुआ था। बांग्लादेश में जो पाकिस्तान एम्बेसी थी उसमें आराम से बैठ करके खालिदा जिया के नेतृत्व में और बीएनपी और जमाते इस्लामी के नेतृत्व में पाकिस्तान जिहादियों के साथ
वहां पर ब्लूप्रिंट रेडी हो रहा था, स्ट्रेटेजी रेडी हो रही थी। और मैं आपको बताती चलूं कि इसकी फंडिंग आपकी आंखा चाइना ने किया है। ये बात चाइना को बहुत अच्छे से पता थी कि अब चाइना की इकोनॉमिकल ग्राफ जो है वो धीरे धीरे नीचे आती चली जा रही है। ये बात चाइना को बहुत अच्छे से पता थी कि बांग्लादेश ने तेस्ता प्रोजेक्ट और मोंगला प्रोजेक्ट जो है वो भारत को दे डाला, चाइना को नहीं दिया। ये बात चाइना को बहुत अच्छे से पता थी कि जिस तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को चाइना ने बेवकूफ बना करके उसको जंग लगे हुए टूटे फूटे कबाड़े वाले जो असलाह दिए थे उस पर शेख हसीना चाइना पर बहुत नाराज हो रही थी, चाइना का विरोध कर रही थी। ये बात शेख हसीना ने 6 महीना पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के लिए जो बाइडेन के लिए भी बोल दी थी कि इस दुनिया में एक ऐसा गोरा व्यक्ति है जो मेरे जैसी बंगाली औरत को पसंद नहीं कर रहा है और मुझे खत्म करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी रचने की कोशिश कर रहा है। ये बात शेख हसीना को पता थी कि जो प्रोटेस्टर बन करके जो स्टूडेंट बैठे हैं वो एक्चुअली में प्रोटेस्टर नहीं है, वो जमात इस्लामी के पाकिस्तान के नेतृत्व में बांग्लादेश को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बात शेख हसीना को पता थी कि जमात इस्लामी और बीएनपी मिल करके आर्मी के साथ ऑलरेडी बांग्लादेश में अपनी स्ट्रेटेजी को सेट कर चुका है। और ये बात शेख हसीना को पता थी कि पाकिस्तान 2.0 बनाने की चेष्टा हो चुकी है। मैम, अब इन हिंदूज के लिए जो कि वहां पर सेफ लाइफ नहीं है, जो फंसे हुए हैं, या अभी आपने एक और भी खबर उसमें सुनी होगी कि जो हिंदू क्रिकेटर हैं उनके घर को भी नुकसान पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा जो वहां पर माइनॉरिटी है उसके लिए अब इंडिया क्या करेगा, किस तरह से उनको सेव करेगा। और कल दिल्ली में पीएम मोदी ने एक मीटिंग भी रखी थी, तो ये सारी चीजें कैसे सॉल्व की जाएगी इंडिया की जानिब से? देखिए, बहुत सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के विपक्षी दलों को भी ये हक नहीं है कि भारत की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सेट कर रही है, और पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल भी हक नहीं है ये जानने का। पर हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात अनम आपसे ये कहना जरूर चाहूंगी कि जंग चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, जंग चाहे दुनिया के किसी भी जमीन पर हो, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपने भारतीय नागरिक को और हिंदू धर्म के लोगों को सुरक्षित तौर पर कैसे भारत लेकर के आना है, ये उनको बहुत बखूबी पता होता है। इस देश में अगर एक जानवर भी सैलाब के पानी में बह रहा होता है तो हजारों ऑफिसर उस जानवर को बचाने के लिए उतर पड़ते हैं, एनिमल ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो यहां तो जान की बात है, यहां तो हिंदू धर्म के लोगों की बात है, यहां तो भारत के नागरिक जो वहां पर फंसे हैं उनकी बात है। तो जाहिर सी बात है कि हम उनको बचाएंगे भी, हम उनको लाएंगे भी, हम उनको नागरिकता देंगे भी, हम उनको भारत का हिस्सा बनाएंगे भी, और हम उनको इज्जत देंगे भी, और भारत में रह रहे 20 करोड़ मुसलमानों से इज्जत दिलवाएंगे भी। जब भारत में घुसपैठिया मुसलमान रह करके हमारी रोटी छीन सकते हैं, तो जो हिंदू वहां पर मर रहे हैं, जिनकी बेटियों का मुसलमान जिहादी द्वारा बलात्कार हो रहा है, उनको ला करके हम यहाँ पर क्यों नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं का हक है भारत में रहना, बांग्लादेश के हिंदुओं का पूरा बराबरी का हिस्सा है भारत में रहना। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की स्ट्रेटजी और मोदी जी के ब्लूप्रिंट बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे, बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी अंत में, अनम, बहुत अच्छा मौका है। मुझे तो लगता है, वैसे भी हमारा डिफेंस जो है वो चौथे पोजिशन पर है, हमारे पास ना असलाह की कमी है, ना बारूद की कमी है, ना सेना की कमी है, और ना ही किसी टेक्निकल इक्विपमेंट की कमी है।
समर्थन तो हमारे पास जो है वो इसराइल का भी है, रशिया का भी है। और अगर जो बाइडेन साहब जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है, अगर मोदी जी कहेंगे तो चाइना से हाथ तोड़ करके मोदी जी से जुड़ने को वो भी तैयार हो ही जाएंगे। 56 मुल्कों में, अब तो 56 कहेंगे, 56 मुस्लिम मुल्कों में 50 ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो मोदी जी के साथ खड़े हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बना देना चाहिए, अपनी सेना उतार देनी चाहिए और भारत में जोड़ लेना चाहिए, जो 1971 में करना चाहिए था। चलो सही है, देर आए दुरुस्त आए, 2024 में तो कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही मैम, और होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, इंडिया की जानिब से किस तरह से स्टेप लिया जाता है, और ये सारी चीजें जो है आगे कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत बेहतरीन राय रखने का, हर चीज को क्लियरली बताने का। थैंक यू सो मच। और देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर मैम की राय और क्वेश्चन आंसर सारे अच्छे लगे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी आप इजहार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके व्यूअर्स के लिए अनम मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भारत से हैं, वो कमेंट पे जरूर बताएं कि क्या बांग्लादेश को भारत में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, जवाब लाजमी दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जय जगन्नाथ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की भारत से लेकर पाकिस्तान की और खासकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार पे, और हम यही कहेंगे कि हमारा सपोर्ट और हमारा साथ जो है वो हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों के साथ है। तो आप भी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।